नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। माइग्रेन, जिसको हम हिंदी में आधा सीसी का दर्द कहते हैं, यानी सर के आधे हिस्से में दर्द रहना। बहुत लोग इस समस्या से परेशान हैं। माइग्रेन का पेन है या किसी भी प्रकार का सर दर्द है, उसमें योग आपके लिए बहुत सहायक हो सकता है। कौन सी योग की क्रियाएं हैं जो आप करेंगे माइग्रेन, आधा सीसी के दर्द की समस्या से निजात पाने के लिए, मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आज का योग विचार। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। अगर हम अपने आप को अलाइव रखना चाहते हैं, खुश रखना चाहते हैं, आनंदित रखना चाहते हैं, तो जीवन में फ्लेक्सिबल होना सीखिए। फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है, तन के धरातल पर भी, मन के धरातल पर भी, और आचरण के धरातल पर भी। और इसीलिए हम हमेशा कहते हैं योगी बने, क्योंकि योग आपको सिर्फ फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देता, आपको मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है, और आपको सोशल फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है, बिहेवियरल फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है। हम बात करें हैं माइग्रेन की। माइग्रेन की समस्या में आप कौन सा योगाभ्यास करेंगे, आइए जानते हैं। उष्ट्रासन के लिए हम अपने घुटनों के बल आ जाते हैं, इस स्थिति में आ जाना, और सांस भरते हुए पीछे की ओर झुकते हुए अपने हाथों से अपनी एड़ियों को या अपने तलवों को छू लेना, गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ देना, कमर का आंख बन जाए, नॉर्मल ब्रीदिंग इन द फाइनल पोजीशन, यथा सामर्थ्य रुकना और फिर वापस आ जाना। इसको दो बार आप दोहराएंगे और फिर वज्रासन में बैठ करके पैरों को, घुटनों को खोल देंगे, घुटनों के बीच में गैप देंगे दोनों घुटनों के, और इस तरह से आगे झुकना कि आपकी हिप्स उठे हुए हैं, सीना और ठुड्डी जमीन पर है, और फिर खींचते हुए हिप्स को पीछे ला करके अपनी एड़ियों से छू देना। अगर आप हिप्स को नहीं छू पा रहे तो इसी स्थिति में रुकना, सर पर, खोपड़ी पर, गर्दन के पीछे पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करना, और अगर आप इस स्थिति में आ सकते हैं तो इस स्थिति में आ जाना। एक बार देखिए कि इस पोजीशन में हम जाएंगे कैसे। हाथों को जमीन पर रखना, खींचते हुए आगे ले जाना, ठुड्डी जमीन पर लगा देना, सीना जमीन पर लगा देना। अगर आप बिना हिप्स उठाए से नहीं कर पा रहे तो इस तरह से हिप्स को उठा करके भी इस पोजीशन में आप आ सकते हैं। दोनों पोजीशंस में आप सर पर और गर्दन के पीछे आराम को अनुभव करेंगे। फिर से वापस आकर वज्रासन में बैठ जाना, और वज्रासन में बैठ करके हम करते हैं डीप ब्रीदिंग, यानी एक हथेली आपके सीने पर, एक पेट पर, पूरा गहरा श्वास भरना। चेस्ट ब्रीदिंग पहले हम कर रहे हैं, यानी सांस भरते हुए चेस्ट का एक्सपेंशन, सांस छोड़ते हुए कॉन्ट्रैक्शन। गर्दन को इस तरह से आप पीछे ढीला छोड़ देंगे। पूरा इनहेल करना, एक्सहेल करना। देयर इज अ लॉट ऑफ पावर इन योर ब्रीदिंग। ब्रेथ अवेयरनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 4 से 5 बार ऐसा करेंगे। फिर एब्डोमिनल ब्रीदिंग, यानी सांस भरते हुए पेट का फूलना, सांस छोड़ते हुए पेट का कॉन्ट्रैक्ट होना, इसको भी 4 से 5 बार करेंगे और फिर शरीर को ढीला छोड़ देंगे। क्रियाओं का नियमित अभ्यास कीजिए और अपनी एक दिनचर्या बनाइए, खासतौर पर भोजन की। कई बार देखा गया है जो लोग बहुत लेट अपना फर्स्ट मील ऑफ द डे लेते हैं, उनको अक्सर भोजन लेट लेने से सर में दर्द हो जाता है। आप कोशिश करें कि समय से ब्रेकफास्ट करें, और जैसे कि हम हमेशा कहते हैं ब्रेकफास्ट शुड बी द मोस्ट, आई वुड नॉट से हैवीएस्ट बट हेल्दीएस्ट मील। तो नाश्ता अच्छे से करें, वो आपके लिए बहुत आवश्यक है। पानी खूब पिएं, स्ट्रेस ना लें, टेंशन से दूर रहें, और हमारा कार्यक्रम देखते रहें।